नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर शक गहरा गया है। बिना किसी भूमिका के मैं आपको मूल विषय पर लाता हूं और शुरुआत करता हूं हरिशंकर परसाई की कालजयी रचना रानी नागपनी की कहानी से। इस कहानी में एक किरदार है राजा निर्मल सिंह। अब राजा निर्मल सिंह भारतीय सियासत पर कैसे सटीक बैठते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कहानी कुछ यूं है कि मुर्दनी माहौल था, मुर्दन सा माहौल, सब उदास निराश हताश खड़े हुए थे। चार बीबियां और करीब करीब 40 बच्चे सुबक रहे थे। दिल में राजा का राज हथियाने के मंसूबे और आंखों में आंसू थे उनके। सभी जो मृत्युशैया थी उसके आसपास खड़े हुए थे, सब बड़े मायूस से नजर आ रहे थे। पंडित आया, गंगा जल हाथ में लेकर उसने मंत्रोच्चार शुरू किए। तुलसी और गंगा जल मुंह में डाला गया और ऐसे में निर्मल सिंह के होंठ फड़फड़ाने लगे। मुंह से अस्फुट से शब्द निकले, थोड़ा सा समझना मुश्किल था। इस तरह से बोल रहे थे वो, शायद कुछ अंतिम संदेश देना चाह रहे हों। मुख्य अमात्य में मरणशील राजा के होंठों के पास कान लगाए और फुसफुसाहट को समझने की कोशिश की गई, जानने की कोशिश की गई आखिर राजा कह क्या रहे हैं। और आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो समझ सके। राजा ये कह रहे थे कि शादी करूंगा। ये सुन के सब चौंक गए। राजकुमारी नागफनी से शादी करने के बाद राजा निर्मल सिंह कह रहे थे। राजा निर्मल सिंह की इस कहानी से क्या समझ आता है? कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के नेताओं के हालात भी राजा निर्मल सिंह जैसे हैं, फिर चाहे वो अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो या अपने नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो जो प्रधानमंत्री हैं। भारत के नेता समय देखकर पीछे हटना नहीं चाहते और ऐसे नेताओं की कमी नहीं है इस देश में। चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर से जब ईवीएम का शोर सुनाई दे रहा है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिंदगी सत्ता में बने रहने के लिए इसको सेट कर लिया है। मैं आपको ईवीएम के खेल से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आपको इस कहानी से कुछ चीजें समझ आएंगी। अक्टूबर 2010 की बात है, गुजरात में नगर निकाय चुनाव थे उस साल और उस वक्त जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। मोदी के शहर वडोदरा की पादरा नगर पालिका थी जहां पर वोट डाले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है। सबसे पहले एक बूथ पर 44 लोगों ने वोट डाले, वोट दर्ज किए गए 111, यानी ढाई गुना से भी ज्यादा। कुछ संकेत, कुछ संदेह लोगों को हुआ। फिर कांग्रेस की आपत्ति के बाद मशीन नंबर 12311/0905 को चेक किया गया जहां पर ये वोट डाले जा रहे थे। वोटर जैसे ये बटन दबाता, बत्ती जो थी वो दूसरे उम्मीदवार की जलने लगती, यानी कांग्रेस को वोट देने पर भी बीजेपी के नाम ये वोट दर्ज हो रहा था। कांग्रेस के तत्कालीन राज्य महासचिव थे उस वक्त गिरीश परमार, उन्होंने खुलेआम चुनाव आयोग पर चुनाव में ईवीएम में हेरफेर का आरोप लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जवाब में तब के मुख्य चुनाव आयुक्त थे केजे राव, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम लोकल बॉडी के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं करवाता, ये राज्य का काम है। चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार को ईवीएम भी नहीं भेजी थी, गुजरात ने जरूर प्राइवेट ईवीएम लगाई होगी। ये उस वक्त के चुनाव आयुक्त ने अपनी सफाई में कहा जब उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने हेरफेर किया है। बहरहाल प्राइवेट ईवीएम से हुए चुनाव में शहरी निकाय की 78 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, सिर्फ 6 सीटें, बाकी सारी सीटें बीजेपी जीत गई। ये वो जमाना था जब कांग्रेस ईवीएम की सबसे बड़ी पैरोकार थी, लेकिन कहते हैं किसी के मुंह में उस वक्त खून लग चुका था। और इसी दौर में भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम के खतरों पर एक बड़ी विस्तृत किताब लिखी थी और इसकी प्रस्तावना लिखी थी एलके आडवाणी जी ने, जो इन दिनों मार्गदर्शक मंडल में है भारतीय जनता पार्टी में। पहले पंचायत, फिर ब्लॉक और फिर शहरों में निकाय चुनाव में प्राइवेट ईवीएम भी लग सकती हैं, ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए। और ये भी ईपी रोम को जैसे ब्लूटूथ छेड़ सकता है और कैसे RS-332 पोर्ट सीरियल डेटा केबल से वोट लूटा जा सकता है, ये सब उस वक्त पता चलने लगा था। इन सारी चीजों की कहानी खुलकर किताब में भी सामने आई। तो सवाल यह है कि क्या निकाय यानी नगर निगम चुनाव से लूट का दरवाजा विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव तक खुलता है? क्या इनमें भी इस तरह का हेरफेर हो सकता है? हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को संतुष्ट करने वाला नहीं मिला। AI और डीप फेक के जमाने में जनादेश को सिर्फ भीड़, वोट परसेंट या जातिगत आधार पर ही न देखें, इसके और भी आधार हो सकते हैं। कितने ईवीएम प्राइवेट, कितने ईवीएम सरकारी और कितनों पर सरकारी ठप्पा, सब कुछ देखने की जरूरत है। और एक तो ये भी आंकड़ा है कि भारत में करीब करीब 19 लाख ईवीएम जो है वो गायब है, इसके बारे में भी अभी कोई पुख्ता सफाई नहीं आई। अब ये खबर देखिए जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जो घटना बताई है उसे इंडिया टुडे ने 2010 में पब्लिश किया था। उस वक्त
मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और विवादों में आ गए थे। निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ कथित छेड़खानी को लेकर चुनाव आयोग ने उस वक्त कहा था कि स्थानीय चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों की आपूर्ति उसके द्वारा नहीं की गई थी। ये मशीनें जो थी गुजरात सरकार ने खुद मंगवाई थी, ये बाकायदा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने उस वक्त बटरा नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी की एक रिपोर्ट के बाद ये बात कही, जिसमें कुछ मुद्दों पर ईवीएम में हेरफेर की पुष्टि की गई और कांग्रेस ने मोदी पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था उस चुनाव में 2010 में, यानी आज से करीब 13 साल पहले। भाजपा ने उस वक्त चुनावों में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की, कांग्रेस को पंचायतों और नगर पालिका में पूरी तरह से हरा दिया। उपचुनाव आयुक्त आलोक शुक्ला ने उस वक्त कहा था कि चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव के लिए गुजरात राज्य चुनाव आयोग को ईवीएम की आपूर्ति नहीं की थी, ये उसने अपने तरफ से इंतजाम किया था। पादरा में कांग्रेस के पक्ष में डाले गए सभी वोट भाजपा के लिए दर्ज किए गए थे और ये गलती एक मतदाता ने तब देखी जब उसने कांग्रेस के लिए अपना वोट डाला लेकिन ईवीएम में भाजपा के प्रतीक के बगल में रोशनी जली यानी उसका वोट पड़ा। मतदाता ने शिकायत पीठासीन अधिकारी को की, पीठासीन अधिकारी और बाकी चुनाव अधिकारियों ने गलती देखी और मतदान को उस वक्त तुरंत रोक दिया गया था। ये घटना शायद आपने पहले पढ़ी भी हो। पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि 44 लोगों के मतदान के बाद मशीन में 111 वोट दर्ज किए गए। इसके बाद पोलिंग यूनिट 12311-0905 को वोटिंग के लिए बटन दबाने की जब बात होती तो दूसरे उम्मीदवार का वोट पड़ता। मतदाताओं का समर्पण, जब कोई कांग्रेस को वोट देता तो भाजपा उम्मीदवार के उसमें वोट डाला जाता था। 25 जिला पंचायतों और 53 नगर पालिकाओं में से कांग्रेस ने उस वक्त सिर्फ 6 सीटें जीती। ये 208 में से केवल 20 ब्लॉक पंचायत जीतने में सफल रही। इससे 6 प्रमुख निगमों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। जोरदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी और मोदी पर ईवीएम से छेड़खानी का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस ने कहा था कि ये इलेक्शन ईवीएम की छेड़खानी से जीता गया। पार्टी ने अपनी बात रखने के लिए पटरा घटना का हवाला दिया और ईवीएम के मुखर समर्थक कांग्रेस ने धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गिरीश परमार, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, उन्होंने कहा कि छेड़खानी लैपटॉप वाले टेक्नोक्रेट करते हैं। ईपी रोम को ब्लूटूथ या RS-232 पोर्ट सीरियल डेटा केबल के जरिए आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी हंगामा हुआ था इस पूरे मामले में। पूर्व चुनाव आयुक्त और फेम के संस्थापक केजे राव ने यह कहा कि चुनाव आयोग निकाय चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये राज्य का काम है, राज्य चुनाव आयोग का काम है जो स्थानीय चुनाव की निगरानी करता है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने निजी कंपनियों से मशीनें शायद खरीदी होंगी और इसके बाद ये चुनाव किया गया होगा। गुजरात के मुख्य चुनाव आयुक्त केसी कपूर थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि राज्य को 208 तालुका पंचायतों, 24 जिला पंचायतों, 6 नगर निगमों और 53 नगर पालिकाओं में नगर चुनाव के लिए लगभग 71,000 ईवीएम की जरूरत थी लेकिन उसके पास 41,000 ईवीएम थी। कपूर ने कहा था कि 30,000 ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराने का उन्होंने अनुरोध किया था। अभी 30,000 जो ईवीएम मशीनें थी वो कहां से आई, कैसे आई? उन्होंने ये भी बताया कि हम इसी गोदामों से मशीनें नहीं लाए क्योंकि हमारे पास अपने गोदाम थे। AICC प्रवक्ता मनीष तिवारी ने उस वक्त कहा था कि गुजरात स्थानीय चुनाव में धांधली हुई, कांग्रेस को दिए गए वोट भाजपा के पक्ष में गए। यहां तक कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने भी कहा कि आयोग ने गुजरात को मशीनों की आपूर्ति नहीं की। पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री उस वक्त थे शंकर सिंह बाघेला और राज्य पार्टी अध्यक्ष थे सिद्धार्थ पटेल, उन्होंने मोदी पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और खूब हंगामा हुआ था। और ये कहा गया था कि दुनिया में कहीं भी कोई पार्टी 80% वोट हासिल नहीं कर सकती। 6 निगमों में औसत मतदान 20-25% था, आखिरी घंटे में यह बढ़कर 45% हो गया। ये संदिग्ध था, लोग कहते हैं कि ये मोदी का जादू था लेकिन वास्तव में ये मशीनी जादू था, ऐसा बाघेला ने आरोप लगाया। पटेल एक कदम आगे गए, उन्होंने कहा कि मोदी ने इस छेड़खानी के लिए ईवीएम में छेड़खानी की और एक अमेरिकी विशेषज्ञ को उन्होंने नियुक्त किया था, उसने आके इस पूरी ईवीएम को हैक किया। संयोग से भाजपा उन पार्टियों में शामिल रही है जिन्होंने ईवीएम के साथ छेड़खानी की आशंका शुरुआती दौर में जताई थी और डाले गए वोटों का पेपर ट्रेल कराने की मांग की थी। किसी भी संदेह के मामले में पेपर ट्रेल को अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने उस वक्त ये तर्क दिया था, 2010 की मैं बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस को ये दोष दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अपने अपने पोलिंग एजेंट को उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, अक्सर वो बूथ से गायब रहते हैं। आज के दौर में भी वही कमोबेश हालात हैं।
आज के दौर में अगर इस धांधली से बचना है, अगर भारत के जनादेश को लूट से बचाना है, तो ईवीएम के खिलाफ एक सड़कों पर मोर्चा खोलने की जरूरत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। एमपी में मोदी सत्ता की चालाकी सामने आ गई, सत्ता यहां पर बुरी तरह से फंसी है, लेकिन कांग्रेसियों की औकात नहीं है कि वो सड़कों पर उतर कर विरोध कर सके। बाकी मैनिपुलेशन होता है या नहीं होता है इस पर रिसर्च की जानी चाहिए, लेकिन ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ईवीएम सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, क्या इससे जनादेश की लूट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन 2010 में जो गुजरात में हुआ, क्या अब वो पूरे देश में हो रहा है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इसका जवाब कैसे मिल सकता है? इसका जवाब इसलिए भी मिलना जरूरी है कि जो लोग इलेक्शन कराते हैं यानी चुनाव आयोग, अगर देश में किसी भी मतदाता के जहन में संदेह है तो उसको ये करना चाहिए कि वो बैलेट से भी पेपर कराए, बैलेट से भी चुनाव कराए, ईवीएम का बटन भी हो, बैलेट का बटन भी हो। एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो कम से कम एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई अगर आपको ज्यादा लोग लगाने पड़ रहे हैं, एक दिन की बजाय 3 दिन में काउंटिंग हो रही है, कम से कम 3 दिन बाद एक संतुष्टि तो आएगी कि ईवीएम से जो वोट डाले गए, बैलेट से जो वोट डाले गए वो बराबर निकले, और लोगों के जो सवाल हैं उनके भी जवाब मिल सकेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं करा रहा है, चुनाव आयोग उसके पीछे दुनिया भर के तर्क देता है और उन तर्कों से भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इन चुनावों में धांधली हुई या नहीं हुई ये अलग प्रश्न है, लेकिन 24 के चुनाव में क्या होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।